तो फ्रेंड्स आज हो गई है 23 अगस्त और बहुत जल्दी अगस्त ख़त्म हो जाएगी और समर सीज़न और रेनी सीज़न दोनों भी धीरे धीरे से ख़त्म होने वाले हैं और सही समय चल रहा है जब हम लोगों को अपने विंटर गार्डन की तैयारी कर लेनी चाहिए और विंटर सीज़न के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो हमने लास्ट ईयर के सेव करके रखे हैं, सही समय चल रहा है जब हमें उनकी कटिंग्स लगा के और नए पौधे बना लेने चाहिए ताकि हमें अर्ली विंटर में मतलब अक्टूबर नवंबर में ही फ्लावरिंग देखने में मिलने लगे गार्डन में। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैंने भी बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं, वो सब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कैसे लगाई है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कुछ पौधे मैं सजेस्ट भी करने वाली हूँ जिनकी कटिंग अगर आपने बचा के रखे हैं लास्ट ईयर के पौधे तो उनकी लगा सकते हैं। तो पहला पौधा जो इस लिस्ट का है वो है पॉन्सेटिया। पॉन्सेटिया बहुत ही सुंदर जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान होता है, जबकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ विद अपडेट, मैंने उस वीडियो में दिखाया था, लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, आज मैं लगा रही थी कटिंग, यहाँ पर सिर्फ मैंने सैंड लिया है और आप ये देख सकते हो कि इस पौधे में सैप निकलता है तो बिल्कुल सैंडी सपोर्टिंग मिक्स होना चाहिए, मैंने तो सिर्फ सैंड में लगा दिया है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। इसी तरीके से जो है बिगोनिया बहुत ही सुंदर जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, काफ़ी हैवी फ्लावरिंग होती रहती है इसमें। तो ये मेरा बिगोनिया है, एंजल विंग बिगोनिया है, इसकी भी मैंने कटिंग इसी वाले जो है सिर्फ सैंड में मैंने इसकी भी लगा दिया है क्योंकि ये भी एक सकुलेंट होता है, फ्लावरिंग सकुलेंट होता है, तो सकुलेंट के लिए जो है रूटिंग कराने के लिए बेस्ट होता है कि आप सैंड ले लें, तो इसको भी मैंने इसी साथ में लगा दिया है। और यहाँ पर है जो आप देख रहे हो ये हैं क्रिसैंथेमम्स, क्रिसैंथेमम्स ये मेरे लास्ट ईयर वाले हैं, तो मैंने इनके जो पौधे सेव करके रखते थे उनकी भी मैंने कटिंग लगानी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी मिला लिया है, सिर्फ सैंड नहीं लिया है इसमें, थोड़ी सी मैंने बालू मिट्टी बोल सकते हो लेकिन सैंड की परसेंटेज ज़्यादा है, मिट्टी की परसेंटेज काफ़ी कम रखी है और बस इसकी सॉफ्टवुड कटिंग्स लग जाती हैं। इसके अलावा जो लोगों ने डहलियाज बचा के रखे होंगे लास्ट ईयर के अपने, तो डहलियाज की आप कटिंग लगा सकते हो। बाकी बल्ब्स इन्होंने ग्रो करना चाहते हैं, जिन्होंने बल्ब सेव करके रखे हुए हैं, इसके बल्ब्स होते हैं, गांठें होती हैं, तो वो सही समय चल रहा है जब इनकी गांठों को ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पौधे बचा के रखे तो आप उनकी कटिंग इस समय लगा सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं तो बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसमें। डहलिया तो एकदम मस्ट हैव होता है हर गार्डन के लिए, तो सही समय आप डहलिया की कटिंग लगा सकते हो। इसके अलावा बहुत ही सुंदर ये है डैंथस के पौधे और डैंथस काफ़ी ब्राइट ब्यूटीफुल शेड्स में आते हैं और बेस्ट बात ये होती है कि इन्हें आप गर्मी में भी सेव कर सकते हैं, तो मैंने भी अपना एक डैंथस का पौधा सेव करके रखा था, वाइट कलर का मेरा डैंथस का प्लांट मैंने सेव किया था। तो मैं इसमें आप देख सकते हो मैंने ये क्रिसैंथेमम वाले ही गमले में मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग ले ली, इसमें देखो एक फ्लावर भी ब्लूम किया हुआ है, तो इसमें पूरी गर्मी हल्की हल्की फ्लावरिंग होती ही रहती है और बहुत इजीली इसे सेव किया जा सकता है। तो मैंने जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहा है प्रयागराज में, फिर भी मैंने ये पौधा अपना बचा लिया था तो मैंने इसकी कटिंग भी लगानी शुरू कर दिया है। तो इसी गुलदावदी वाले ही गमले में मैंने इसको भी लगा दिया, जब इसमें रूटिंग हो जाएगी तो मैं दूसरे पॉट में इसे शिफ्ट कर दूँगी। तो पॉटिंग मिक्स तो मैंने बता ही दिया आपको, सेम ही रहेगा इसके लिए भी। इसके अलावा इम्पेशंस बहुत ही सुंदर रहते हैं, तो इम्पेशंस बहुत सारे लोगों ने सेव किए होंगे, तो इम्पेशंस अगर आपने सेव करके रखे हैं तो बिल्कुल सही समय चल रहा है, सिर्फ सैंड में आप उसे ग्रो कर सकते हैं कटिंग्स को, और या फिर जो ये पेरिनियल वाले जो इम्पेशंस होते हैं, इम्पेशंस दोनों वैरायटी के जो चाइनीज़ वाले होते हैं, ये चाइनीज़ वाले हैं या नॉर्मल वाले इम्पेशंस, दोनों की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, तो सही समय चल रहा है आप इम्पेशंस की कटिंग को लगा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्लांट है वो है बहुत ही सुंदर से फूलों वाला वर्बीना। तो बहुत सारे लोगों ने वर्बीना के प्लांट्स अगर सेव करके रखे होंगे तो आप वर्बीना की कटिंग को लगा सकते हो, उस समय बिल्कुल सही समय चल रहा है, वर्बीना की कटिंग में बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है, तो छोटी छोटी कटिंग जो है सॉफ्टवुड कटिंग आप इस समय ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरे कलांचो, तो ये मेरा लास्ट ईयर वाला कलांचो था जिसकी मैंने कटिंग्स जो है इसमें ये देख सकते हो आप छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगा दी थी और ये लग भी गई हैं। तो आज मैं कुछ और भी मेरे जो कलांचोस थे उनकी हाइब्रिड वाले जो मैंने बचा लिए थे बारिश के मौसम में, उनकी मैंने कटिंग लगानी शुरू कर दी है, तो एक ये मैंने कटिंग लगा दिया है। इसमें भी बिल्कुल जो है सैंडी सपोर्टिंग मीडिया रहना चाहिए
और इसके अलावा रोज़ गुलाब तो फूलों का राजा होता है, तो गुलाब की कटिंग बिल्कुल आप लगा सकते हो। और ये जो पिंक वाले होते हैं, वाइट वाले और रेड वाले जो देसी वेराइटीज़ होते हैं, इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग भी जाती है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये मेरा क्रीपिंग रोज़ है, इसकी कटिंग भी मैंने एक लगा रखी है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सा फुटाव जो है ब्रांचेस में आना शुरू हो गया, जबकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले इसी कटिंग लगाई है। तो इसी कटिंग बहुत इजी लग जाती है, स्पेशली अगर आप लोग बिगनर्स हो तो क्रीपिंग रोज़ से स्टार्ट करो। क्रीपिंग रोज़ की कटिंग बहुत इजी लग जाती है कंपैरिजन में बाकी जो रोज़ की वेराइटीज़ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो ये पौधा देख रहे हो, ये है पेरिनियल डेजी। और पेरिनियल डेजी मैंने कुछ टाइम पहले ही मडीवूड से ख़रीदा है, जो है कुछ टाइम पहले मैंने शॉपिंग वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। इसमें जो है एस्टर की तरीके से फ्लावर्स आते हैं, पर्पल कलर के बहुत सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रखी है, कुछ दिनों पहले इसमें फ्लावरिंग हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगा रखी है, पहले से एक कटिंग लगाई हुई है और एक कटिंग और मैंने आज ये लगा रही हूँ ताकि मेरे पास जल्दी से इसके ढेर सारे पौधे हो जाएँ और अर्ली विंटर में ही मुझे इसमें फ्लावरिंग देखने में मिलने लगे। तो बहुत सही समय चल रहा है, आप लोगों ने जो भी पौधे लास्ट ईयर के बचा के रखे होंगे पूरी गर्मी, उन्हें आप इस समय कटिंग से जल्दी जल्दी से प्रोपोगेट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को चाहिए ढेर सारे फूल तो तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी। तो ये मैंने लगा ली एक और कटिंग। इसके अलावा यूफोर्बिया मिली बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, वैसे इसमें समर में भी फ्लावरिंग होती है बट फ्लावर का कलर जो फेड हो जाता है, बट विंटर सीजन में इसका कलर बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल बना रहता है, इसकी कटिंग बहुत इजी लग जाती है। तो इसका जो भी कलर आपके पास नहीं हो इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस समय आप जाइगो कैक्टस या फिर क्रिसमस कैक्टस जिसे बोलते हैं या ईस्टर कैक्टस भी बोलते हैं, तो इस समय आप ईस्टर कैक्टस जो कि एक फ्लावरिंग सक्यूलेंट होता है और इसमें अराउंड क्रिसमस इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जब तेज़ ठंड पड़ती है तो उसमें फ्लावरिंग आती है, बट अगर आपको फ्लावरिंग तेज़ ठंड में देखनी है फिर भी आपको कटिंग अभी ही लगानी पड़ेगी इसकी। तो अगर आपको कहीं से भी इसी कटिंग मिल सकती है नर्सरीज वगैरह में, ये पौधे जनरली जो है माली लोग बचा लेते हैं क्योंकि ज़मीन में उनके पास जगह होती है, ठंडा सा एरिया होता है तो वहाँ पे ये बच जाते हैं, या फिर आपने अपने घर में अगर सेव करके रखे हो तो उनसे भी आप नए पौधे इस समय ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय चल रहा है। तो इसके अलावा आप जो है ये है क्रैनबेरी हिबिस्कस। क्रैनबेरी हिबिस्कस में वैसे तो बहुत सारे सीड बनते हैं जिनसे नए नए पौधे निकलते हैं, तो अगर आपके पास सीड्स हैं तो आप सीड से इस समय इनको ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास सीड्स नहीं है तो आप इनके पौधों से इनकी कटिंग लेके भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय चल रहा है, बहुत ही सुंदर ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं और ये भी मेलो फैमिली का ही प्लांट होता है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसकी कटिंग भी लगाने का सही समय चल रहा है, जल्दी जल्दी इस प्लांट की भी कटिंग लगा लेना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।